लास्ट संडे ऑफ जनवरी वीकली क्विज एज वेल एज मेगा क्वीज तो मेगा क्विज के, के सोल्यूशन right? so uh, like well so अलग से वीडियो पे बनाएंगे वीकली क्विज के सोल्यूशन सारे ये वीडियो में देखेंगे एंड लाइक ऑलवेज YouTube पे कुछ ही क्वेश्चन डालने वाले सिलेक्टेड फ्यू बाकी सारे TBT, के सारे क्वेश्चंस आपको टीबीटी बोधी ट्री के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे बट हर एक सॉल्यूशंस का सॉरी uh, हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन रहेगा ऑलराइट बिफोर जंपिंग इन द द वीडियो लेट्स लुक एट क्वेश्चंस फर्स्ट ताकि तुमको सारे क्वेश्चंस दिख जाए ऑलराइट ये है डीआई का सेट दिख रहा है पांच क्वेश्चन है डीआई आई का प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब लाइन ग्राफ दिख रहा है ऑर राइट क्वेश्चन थोड़े बड़े दिख रहे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उसके पांच ऑप्शन सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हो फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन नॉल राइट लेट्स जंप इन टू द नेक्स्ट सेट ऑल राइट दिस इज एल आर का पजल दिख रहा है सिक्स टू नाइन्थ क्वेश्चन चार ही क्वेश्चन है तो जो पजल का वीडियो है हमारे यूट्यूब पे वो जरूर देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा छोड़ना है ऑल राइट सो दिस इज ऑल राइट ओके उसका एक्सटेंशन है गाइज ऑल राइट ये क्वेश्चन ही चल रहा है अब तक Uh, मतलब जो नोट मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन ही दे रहे हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही है अभी ये क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू पी तो चार क्वेश्चन दिख रहे हैं पे लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेड और एक एल आर का सेट है इसमें तीन ही क्वेश्चन है बट ऑब्वियसली ये छोटा साइज है तो वो तुमको समझ में आना चाहिए वो क्वेश्चन देखो इसके पहले के क्वेश्चन वर मल्टीपल मतलब बहुत बड़ा पैसेज था

क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज एर डिटेक्शन क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एंटोनिम बताना है मोस्ट ऑपोजिट बताना है क्वेश्चन नंबर एटीन अगेन आपको मोस्ट ऑपोजिट बताना है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इडियम्स एंड फ्रेजेस क्वेश्चन नंबर 20

ठीक है तो ये बंदा 2005 वाला 22 टू माइनस फाइव सत्रह साल का है वो बता रहे ईच ऑफ देम इज फीमेल या मेल ठीक है नॉट मोर देन टू सेम जेंडर पर्सन वर बॉर्न एडजेसेंट टू इच अदर ठीक है मतलब मेल uh, या मेल ऐसे चलेगा कि ये कौन सा 1983 में है और लेट से ये 86 में चलेगा पर अभी जो नेक्स्ट बंदा है 92 वाला ये मेल नहीं हो सकता ये फिर फीमेल होना चाहिए ठीक है नॉट मोर देन टू सेम जेंडर पर्सन बोर्न एडजेसेंट टू इच अदर दिस इज वॉट दे आर सी जेज एज इज मल्टीपल ऑफ फाइव ऑलरेड तो अपन क्या करते हैं सीरियल नंबर लिख लेते हैं वन टू आठ लोग हैं ना फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो इसका अपन ईयर ठीक है ईयर मतलब कब बॉर्न हुआ है एटी थ्री एटी सिक्स नाइनटी टू एटी थ्री एटी सिक्स नाइन्टी टू फिर आगे है नाइनटी फाइव टू थाउजेंड फाइव नाइन्टी फाइव 2005, 2011 दिखा मुझे शायद से 99 भी है वाह ऑर्डर में तो भी लिखने का ना 1999, 2007 ठीक है 1999 तो 2007 टू यहाँ पे आएगा 2011 यहाँ पे आएगा वो लास्ट है 2005 थाउजेंड यहाँ पे आएगा फिर 1999 नाइनटी यहाँ पे आएगा ठीक है कंफर्टेबल ये हो गया 83, 86, 92, 95, 99 था और अभी 2022 के हिसाब से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। और राइट right, इनका फिर अभी एज निकाल लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू है ना तो ये हो जाएगा स थर्टी नाइन तो ये तीन का गैप है तो ये बराबर थर्टी सिक्स भी ट्वेंटी ट्वेंटी टू माइनस एट्टी सिक्स मत करते बैठो ये छः का गैप है तो ये बराबर तीस ये तीन से छोटा है सत्ताईस ये चार से तो ये तीस ये हो जाएगा सत्रह ये हो जाएगा दो पंद्रह और ये हो जाएगा ग्यारह एज हो गया अभी क्या दिया है उन्होंने देखते अभी उन्होंने अपने को हिंट्स दी रहेगी ऑब्वियसली कुछ ठीक है उसके बेसिस पे लेट्स कुछ भी डाउट्स रह तो पूछो गाइस ठीक है नॉट टू अभी जेंडर्स भी अपने पास तो जेंडर्स लिख लेते और फिर पर्सन आ जाएगा तुम्हारा ठीक है परम्यूटेशन बना तो कर लेंगे कोई इशू नहीं ठीक है uh, जेज एज इज अ मल्टीपल ऑफ़ फाइव मल्टीपल ऑफ फाइव कौन सा है मतलब जे आ सकता है यहाँ पे जे आ सकता है यहाँ पे दो ही है ना जे कैन बी हर जे कैन बी हर जे इज 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 मल्टीपल ऑफ फाइव पी वॉज बॉर्न इन दैट ईयर विच डिजिट इज विच डिजिट सम इज दाएस्ट अच्छा पी वॉज बॉर्न इन दैट ईयर विच डिजिट सम इज द हाएस्ट हाँ तो देखो एक तो टू थाउजेंड इलेवन ये ये तो नहीं आने वाले हाएस्ट इधर आ सकते हाइस्ट क्यू इधर क्यू हाइस्ट आएगी क्योंकि इसमें वन और नाइन है तो अभी उसमें भी 1999 हाईएस्ट रहेगा क्योंकि उसमें तीन नाइन है ठीक है तो वो वहां पे बॉर्न हुआ रहेगा कौन बंदा पी तो पी का मेरे को मिल गया पी यहाँ पे है पी वॉज बॉर्न इन दर जहाँ पे जिस ईयर के डिजिट्स हाइस्ट सम दे रहे ठीक है इज दैट दैट इज वॉट देव सेड राइट पी और हाँ मोर देन थ्री पर्सन वे आर बॉर्न बिटवीन जे एंड द वन हु इज फीमेल अच्छा कौन सी फीमेल है पता नहीं ठीक है ये होल्ड पे रखो जे एंड पी के बीच में मोर देन थ्री पर्सन है जे यहां पर हो सकता है तो वन टू थ्री मोर देन थ्री तो यहां पर फीमेल आनी चाहिए जे यहा तो वन टू थ्री फोर मोर देन थ्री ठीक है बहुत पॉसिबिलिटीज होल्ड पेर टू पर्सन वर बॉर्न बिट्वीन पी एंड ओ हु इज नॉट अ फीमेल ठीक है पी एंड ओ के बीच में दो पर्सन बॉर्न हुए थे हु इज़ नॉट अ फीमेल तो पी यहाँ पे है ठीक है पॉसिबिलिटी देख लेते हैं अपन एक परम्यूटेशन यहाँ पे पी एंड ओ पी एंड ओ ठीक है परम्यूटेशन परम्यूटेशन बना रहा हूँ मैं गाइज आई होप दैट इज क्लियर परम्यूटेशन बना रहा हूँ मैं राइट right? क्योंकि पी एंड ओ के बीच में दो लोग है तो दो ही पॉसिबिलिटीज है ठीक है टू पर्सनसर बॉर्न बिट्वीन पी एंड ओ हु इज़ नॉट अ फीमेल ये नहीं यूज़ किया एन इज फोर ईयर ओल्डर ईयर एन इज ट्वेंटी सेवन यहाँ पे आएगा ओल्डर है younger नहीं younger option ही नहीं ऑप्शन ही है है ठीक एज डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड द वन हु हुआ बॉर्न इन लीप ईयर इज मोर देन द एज ऑफ एम अच्छा एज डिफरेंस ठीक है लीप ईयर में जो बॉर्न हुआ था लीप ईयर मतलब कौन सा है जो चार से डिविजिबल होना चाहिए तो ये एक लीप ईयर है एक ही लीप ईयर है वी हैव ओनली वन लीप ईयर तो वो एक अच्छा है कि अपने पास एक ही लीप ईयर है तो कोई टेंशन नहीं है तो उन्होंने क्या बोला है एज डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड द वन हु दन बोर्न इन लीप ईयर इज मोर देन द एज ऑफ एम एज डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड द वन हु वॉज बॉर्न इन लीप ईयर इज मोर देन एज ऑफ एम अभी एम का एज लिस्ट क्या है ग्यारह तो शुड बी ग्रेटर देन ग्यारह तो ये फोर्टी वन अगर मैं ये Q माइनस थर्टी एज डिफरेंस ऐसा है ऐसे भी हो सकता है ठीक है M का अगर ग्यारह लेते सबसे कम तो थर्टी माइनस इलेवन नाइनटीन ठीक है पॉसिबल है देर आर अ फ्यू पॉसिबिलिटीज़ तो थर्टी माइनस सेवनटीन अगर थर्टी माइनस इलेवन नाइनटीन थर्टी माइनस फिफ्टीन फिफ्टीन थर्टीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है तो क्यों अब इस केस में देखो इस केस में पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि 30 के ऊपर 39 है सिर्फ सबसे बड़ा 39 39 जो कि पॉसिबल नहीं तो q से बड़ा वाला ये होना चाहिए q से बड़ा ये बंदा q से बड़ा है तो इसके नीचे q आना चाहिए तो q कहाँ पे आ सकता है 27 और 30 तो नहीं आ सकता तो 17 आ गया तो 30 17 इज ग्रेटर देन 11 पॉसिबल 30 15 इज अगेन ग्रेटर देन 11 पॉसिबल तो इलेवन वाला तो एम होना चाहिए नो अदर पॉसिबिलिटी ठीक है ये एम होना चाहिए तो ये वाला गलत है अपना ये अजम्पशन गलत है ये वाला कॉलम ठीक है तो एम इधर है और जो पर्सन क्यू क्यू का एज हो सकता है क्यू कैन बी ईयर क्यू कैन बी ईयर वो पॉसिबल है तो अभी मैं क्या करता हूं इसको ही ना अपन दो पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है अपने को समझा ना वो वाला पॉसिबिलिटी गलत है तो वो यहां पे ले लेता हूँ मैं क्यू कैन बी ईयर क्यू कैन बी ईयर एम हैज टू बी ईयर ठीक है वापिस से पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं। अभी जे जे इस केस में क्या हो जाएगा अगर जे यहाँ पे नहीं हो सकता तो जे यहाँ पे आ जाएगा ठीक है बस वो ध्यान में रखो अपन और पॉसिबिलिटीज एक काम करते फिर और एक पॉसिबिलिटी बना लेते नो इश्यूज गईज स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है ओ यहाँ पे जे यहाँ पे एन यहाँ पे पी यहाँ पे क्यू यहाँ पे एम यहाँ पे इस केस में जे यहाँ पे ले ले रहा हूँ तीन पॉसिबिलिटीज हो गई चलो लेके चलते नो ज्यादा डिफरेंस ज्यादा मुश्किल नहीं है ठीक है मोर देन एज ऑफ एम नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन ओ एंड एन ओ एंड एन ओ एंड एन है क्या मेरे पास यस ओ एंड एन ओ एंड एन की जगह पे बराबर दोनों के बीच में एक ही है नंबर ऑफ पर्सन बॉर्ड बिटवीन ओ एंड एन इज हाफ द नंबर ऑफ पॉन हाफ द नंबर ऑफ बॉर्न हाफ द नंबर ऑफ पर्सन वर हाफ द नंबर ऑफ पर्सन वोर्न आफ्टर के हुई मेल आफ्टर के के बाद जो बॉर्न हुए उसके हाफ मतलब आफ्टर के दो लोग चाहिए आफ्टर के दो लोग चाहिए मुझे आफ्टर के नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर के एक ही पॉसिबिलिटी सो दिस इज योर राइट राइट तुम्हारा ये मिल गया यहाँ पे देखो K के लिए जगह ही नहीं है ना क्योंकि ओ एंड एन के बीच में एक ही बंदा है दैट इज हाफ द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर के 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 बाद दो चाहिए तो यहाँ पे क्यू है क्यू है यहाँ पे K के लिए जगह तो सबका हो गया ओ जे एन पी के क्यू एम एक बंदा बचता है शायद से एट पर्सन फ्रॉम जे टू क्यू तो जे के जे जे के एल एल एम एन ओ पी क्यू तो एल यहां पे आ गया हो गया अपना ठीक है अभी बस जेंडर्स देखने नंबर ऑफ पर्सन इज बॉर्न आफ्टर के हु इज अ मेल के इज अ मेल ये बंदा मेल है इज अ मेल ये हटा दे रहा हूँ मैं ये हटा दे रहा हूँ के मेल है और कुछ दिया है ठीक है ये यूज किया है मैंने ओ हु इज नॉट अ फीमेल वो ऊपर वाला भी यूज कर, ला, कर लेता हूँ ओ हु इज नॉट अ फीमेल तो ओ इज अ मेल यहाँ पे भी मेल है ठीक है और राइट क्यूज एज इज अ प्राइम नंबर वो अभी कुछ मतलब Q का एज इज अ प्राइम नंबर ओके तो यहां पे Q नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे तो 15 आ गया तो प्राइम नंबर कौन सा यहाँ पे यहां पे Q पे होना चाहिए ठीक है देखते जेंडर ऑफ L एंड N इज नॉट द सेम नो फीमेल इज जस्ट ओल्डर टू ओ अपने से गलती हुई है कि अपना अरे क्यूज एज इज अ प्राइम नंबर उन्होंने दिया है और कैसे फिर अपना तो पैनिक नहीं होना है ठीक है मेक मेक अमेंड्स ठीक है डरो मत अपना केस क्या था ये था ठीक है कि 30 q शुड बी ग्रेटर देन m तो इसका मतलब ये तो नहीं ना m छोटा होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि 30 शुड बी ग्रेटर देन q plus m का एडिशन तो वो अपना गलत हो गया तो अपने केस में देखो 30 अपन ने ले लिया था आ, ये वाला j वाला बंदा ठीक है तो गलत क्या हो रहा था कि बस 30 शुड बी मोर देन q plus m तो ये अपन इंटरचेंज भी कर सकते हैं देखो अभी आ, q हैज टू बी अ प्राइम नंबर तो q अगर मैं सत्रह लेता हूं ठीक है q सत्रह ले सकता हूँ क्या नहीं k के बाद दो चाहिए तो q तो यहाँ पे नहीं हो सकता q यहाँ पे हो सकता है क्योंकि तेईस इज अ प्राइम नंबर पर थर्ट ट्वेंटी थ्री प्लस क्या रहेगा फिर कि जो तीस से कम होना चाहिए तो पॉसिबिलिटी नहीं तो बस इसको इंटरचेंज करना था दैट वॉज दी ओनली अपना जो मिस्टेक हुआ है बाकी अपना सही है ठीक है तो अपन ने वो वाला अज्यूम कर लिया वो अज्यूम करना गलत था एंड इसलिए उन्होंने अपने को दे दिया कि क्यूज एज इज अ प्राइम नंबर अभी बाकी हो जाएगा जेंडर ऑफ एल एंड एन इज नॉट द सेम एल एंड एन इज नॉट द सेम एन का जेंडर नहीं पता होल्ड पे रखो नो फीमेल इज जस्ट ओल्डर टू ओ ओ से जस्ट ओल्डर फीमेल नहीं है ठीक है जस्ट ओल्डर कौन है एल ही है तो ये मेल है तो ये फीमेल होना चाहिए क्योंकि तीनों लाइन में मेल नहीं आ सकते अभी क्या है एन का कुछ तो अभी देखते हैं जेंडर ओ हु इज नॉट अ फीमेल ओ हु इज नॉट अ फीमेल तो मेल ईच ऑफ देम जे इज़ एज पी वॉज मोर देन थ्री बॉर्न बिटवीन जे एंड द वन हु इज अ फीमेल जे एंड द वन हु इज अ फीमेल जे वन टू थ्री मोर देन थ्री पर्सन फोर तो ये फीमेल होनी चाहिए ठीक है तो Q इज़ अ फीमेल तो मोर देन थ्री पर्सन वन टू थ्री मोर देन थ्री मतलब फोर लो फाइव लो तो अपने पास फोर का ही ऑप्शन है ठीक है वो हो गया टू परसन वर बॉर्न बिटवीन बी एन इज फोर एज डिफरेंस नंबर ऑफ पर्सन ओ एंड एन इज हाफ के हु इज अ मेल बॉर्न आफ्टर के हु इज अ मेल के इज अ मेल ठीक है क्यूज जेंडर ऑफ एल एंड एन इज नॉट द सेम एल मैन है मेल है ये फीमेल है तो नीचे फीमेल नहीं आ सकती तो ये मेल है तो इधर मेल नहीं आ सकता तो ये फीमेल है डन है अपना क्वेश्चन बहुत इजी भी नहीं था मुश्किल भी नहीं था मॉडरेट लेवल का था कुछ भी डाउट्स रह गए तो डू लेट मी नो ठीक है इजी क्वेश्चन है मतलब ऑब्वियसली इजी और मॉडरेट के बीच में रहूंगा मैं बोलूंगा मॉडरेट ले लो ठीक है थोड़ा सा तुमको परम्यूटेशन करना था देखते अभी क्वेश्चन नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन नेम एंड द वन हु हुज बॉर्न इन नाइनटी सिक्स

ऑलरेडी देखो 8336 जे तो ऐसे बना रहे क्या वो लोग ठीक है देखते एटी सिक्स थर्टी एन एटी और एन बराबर बराबर समझा लॉजिक 8630 फिर उसके नीचे का एन अच्छा क्वेश्चन है नाइन्टी टू ट्वेंटी सेवन क्यू नाइन्टी टू ट्वेंटी सेवन और क्यू नहीं आएगा नाइन्टी टू ट्वेंटी सेवन और पी आएगा पी आएगा क्यू नहीं आएगा तो यहाँ पे पी आएगा ठीक है तो ये शुड बी ऑर्ड वन आउट देखते नाइनटी फाइव ट्वेंटी थ्री के मतलब वही लॉजिक है फाइव ट्वेंटी थ्री के यस yes, वही लॉजिक है एंड नाइनटी नाइन सेवनटीन एम नाइनटी नाइन सेवनटीन और यहाँ पे एम ठीक है क्वेश्चन से भी हिंट लेते जाओ ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल एंड फीमेल पेयर एल ओ एल ओ दोनों मेल है जे एन जे एन दोनों फीमेल है एन एम एम तो दिख रहा है एन फीमेल है एम फीमेल है के क्यू के और क्यू मेल फीमेल पेयर है ठीक है के क्यू मेल एंड फीमेल पेयर है ऑल राइट गाइस कुछ भी डाउट्स रह गए तो पूछो दिस वॉज द फाइनल क्वेश्चन फॉर आर एल आर सेक्शन लेट्स मूव इन टू द वर्बल सेक्शन नाउ कुछ भी डाउट्स रह गए तो पूछो दिस इज अ गुड क्वेश्चन सारे क्वेश्चन अच्छे है ठीक है कोई भी मतलब इजी नहीं कहूंगा मैं ऑल द क्वेश्चन क्वालिटी ठीक है इसलिए अग्नि परीक्षा तुमने हर बार देनी चाहिए ऑल राइट

और एक कोच है ठीक है प्लेयर्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड कोच इज द अनदर सब्जेक्ट सो आर हमें पता होना चाहिए कि किसके लिए यूज करते सो so, बेसिकली जब नीदर नॉर वॉट इज दिस दिस इज अ को रिलेटिव कंजंक्शन ठीक है नीदर नॉर ईदर और या ओनली और जब आता है देन नॉट ओनली बट ऑल्सो ठीक है ऐसे जब कंजंक्शन आते हैं सो वी गो विद द नियरर नाउन सो नियर नाउन या नियरर सब्जेक्ट कौन सा है आर के पास में कोच है कोच क्या है सिंग्युलर है सो so हमें वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करना है सो so यहाँ पे आर नहीं आएगा यहाँ पे इज आएगा ठीक है सो एरर वॉज इन बी और इसका इंप्रूवमेंट कैसे होगा नीदर द प्लेयर्स नो द कोच इज सेटिस्फाइड विद द टीम्स परफॉर्मेंस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दिस इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट स्का क्या है एडवर्ब है ठीक है so, सो जब भी आपका सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है यू यूज इनवर्जन ठीक है अभी बस ये सेंटेंस है कि जो एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम इनवर्जन यूज कर रहे हैं एक और चीज होती है जब हम इनवर्जन यूज करते हैं ओके हमें इनवर्जन यूज करना है इनवर्जन यूनो you know, क्या होता है कार्सली के साथ स्कार्सलीन आता है ठीक है ये उसका को रिलेटिव कंजंक्शन का अनदर सेकंड पार्ट है सो so, भी आएगा आएगा या देन आएगा, तो वो गलत है ठीक है दैन देन यहाँ पे वेन है यहाँ पे देन है सो so, ये भी हटा दो सो so, आपके पास ऑप्शन बचते सी एंड ई आपकी अब प्रोबेबिलिटी आ गई फिफ्टी परसेंट पे ठीक है क्वेश्चन करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी फिफ्टी परसेंट सो दैट्स वाई यू यूज एलिमिनेशन स्का नहीं है मीटिंग स्टार्टेडेडेटेड आंसर क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन भी यूज किया है सो so इसका आंसर है ई स्का है मीटिंग स्टार्टेड या स्कली डीड द मीटिंग स्टार्ट तो ये भी सही हो सकता था है, हैड भी सही है गलत नहीं है ठीक है मैं बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर डिड होता तो वो भी सही होता स्कार्सली डिड द मीटिंग स्टार्ट ऐसे होता तो भी सही होता था ठीक है क्योंकि दोनों के दोनों इसमें इसमें और इसमें इन्वर्जन यूज किया है ठीक है सो दैट्स वाई इज द करेक्ट आंसर That's it for this video guys. कुछ भी doubts रहेंगे तो as usual ask them in the comment section below. इफ यू लाइक दीडियो डोंट फर्गेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन शेयर डालते हैं डेली बेसिस पे यू गेट कॉर्ड एल आर वर्बल इडियम्स एंड फ्रेजेस वो कैप शीट अलग अलग फिर तुम्हें करंट अफेयर के क्विजे सब कुछ मिलता है इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज एनालिसिस डालते हैं हम लोग ताकि तुमको जैड जैसे एग्जाम में सीई टी जैसे एग्जाम में सी मैट में काफी हेल्प मिले यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज लेके आती है दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गे सी इन द नेक्स्ट वीडियो